और हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। चटनी है भाई, देखिए ये मिर्चा जो है तला हुआ मिर्चा है, और इसमें जो है टेस्ट काफ़ी हमको देखने में अच्छा लग रहा है। तो देखिए बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। कहने का मतलब 20 रुपए में है भाई, एकदम मज़ा आ गया खा के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ो तो जानो, मैं अरुण आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मैं सर्वे करने जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और विधानसभा वाइज, और जा ही रहा था तो काफ़ी ठंड जो है ज़्यादा हो गई है। ठंड ज़्यादा होने के बाद भी सफ़र हमारा जारी है, और इसी सफ़र में हम जा रहे थे तो ठंडी लगी तो मैंने सोचा रुक के चाय पी ली जाए। तो चाय पीने उतरे हम तो अब देख रहे हैं यहाँ का एक मैंने बहुत अजब गजब की चीज़ देखी, पकौड़ा देखा। पकौड़ा काफ़ी बड़ा है, और पकौड़ा इतना बड़ा लग रहा है, और पकौड़ा में टेस्ट भी हमको काफ़ी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से भीड़ इसलिए होगी क्योंकि पकौड़ा बढ़िया है। अब इस पकौड़ा की खासियत को हम जानेंगे कि इस पकौड़ा में खासियत क्या है, और इसकी खासियत को हम आप तक भी बताएंगे। और आप लोग भी जो है अगर इधर आइएगा, ये छपिया मोड़ पर है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, छपिया मोड़ पर ये दुकान है। और पकौड़ा बहुत ज़्यादा हमको टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में भी टेस्टी होगा। देखिए आइए हम दिखाते हैं आपको कि पकौड़ा देख लीजिए, पकौड़ा का साइज़ देख लीजिए एक बार। और देखिए इतना बड़ा भाई, एक पकौड़ा निकालो उसमें दो, ज़रा इस पे पेपर पे दो। पकौड़ा का साइज़ दिखाते हैं हम आपको कि पकौड़ा कितना बड़ा है। आप देखिए ये पकौड़ा है, पकौड़े का साइज़ ये 20 रुपये का एक पकौड़ा है, एकदम मतलब एकदम ख़तरनाक। मैंने आज तक कभी लाइफ में मैंने इतना भारी पकौड़ा नहीं देखा है, क्योंकि पकौड़ा होता है तो उसमें कटा हुआ छोटा साइज़ का पकौड़ा होता है, पकौड़ा काफ़ी बड़ा है। अब इसमें क्या खासियत है, किस चीज़ से मिलकर बना है, बेसन क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक भाई हैं कुछ निकाल रहे हैं, सामान निकाल दें, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे। भाई ज़रा इसको काट के दीजिएगा, काट के दीजिएगा, हम टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद आप लोग भी इसका टेस्ट ले सकते हैं। आप जहाँ कहीं से भी होंगे, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये छपिया मोड़ है, छपिया मोड़, छपिया रास्ते के मोड़ पे है, आप लोग आके यहाँ पे खा सकते हैं और इसका टेस्ट कर सकते हैं। और हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। चटनी है भाई, देखिए ये मिर्चा जो है तला हुआ मिर्चा है, और इसमें जो है टेस्ट काफ़ी हमको देखने में अच्छा लग रहा है। तो देखिए बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। कहने का मतलब 20 रुपए में है भाई, एकदम मज़ा आ गया खा के। आप लोग आइएगा भी, यहाँ से अगर आइएगा तो खा के ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पकौड़ा इतना लाजवाब, इतना इतना स्वादिष्ट है कि हम क्या बताएं। और उसके साथ में एक ये मिर्ची भी है, मिर्ची तली हुई है, आप इसको खा के एकदम मस्त हो जाएंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में भैया पकौड़ा मिल जाए तो एकदम मज़ा ही मज़ा है। हम जा रहे थे, हम सोचे चाय पी लेंगे, क्योंकि जो चीज़ होता है ना ठंडा हो जाता है, अब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने में गर्मा गर्म अभी निकाले हैं, खा के एकदम से मज़ा आ रहा है। आप लोग आइएगा तो खाइएगा हमारे साथ भाई, हम इससे बात करेंगे कि मतलब कैसे बनाते हैं इसके बारे में। अरे भाई क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। अच्छा ये बताइए पकौड़ा कितने दिनों से यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं? 20-25 साल से तो बनता है। अच्छा 20-25 साल, यानी बहुत पुराना हो गया। तो अच्छा ये बताइए पकौड़े में ऐसा क्या खासियत है, क्या चीज़ डालते हैं आपके ऐसे पकौड़ा इतना बेहतरीन बनता है, क्या क्या आइटम है? आलू मिर्चा और मसाला MDH का। अच्छा अच्छा ये बताइए ये बेसन जो है किस चीज़ का बेसन है? चना का। चना का बेसन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चना का बेसन, आप लोग देख रहे हैं कि चने का बेसन है, आलू है, मिर्चा है, उसके बाद में और भी कुछ मसाले, MDH के कुछ मसाले हैं। ये मतलब इतनी बेहतरीन क्वांटिटी में मिलाते हैं कि हम क्या बताएं। इसका टेस्ट आपको अगर खाएंगे ना तब इसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ मिलाने की क्वांटिटी अलग अलग होती है, अगर उसको सही क्वांटिटी में मिलाया जाएगा तभी उसका टेस्ट बढ़ेगा। लेकिन हम क्या खाएं, अभी एक टुकड़ा मैंने खाया लेकिन मुँह से पानी आ रहा है, फिर से खाने का मन कर रहा है, फिर से खा के दिखाऊँगा आपको। आप लोग आइएगा खाइएगा। मैं केवल चाय पीने वाला था लेकिन जो है पकौड़ा देख के खाने का मन हुआ तो मैंने खाया। आप लोग आइएगा ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। तो दोस्तों
पकौड़े में क्या क्या इस्तेमाल किया गया, आप घर पे भी बनाएं तो देखें, कोशिश करें एक बार, क्या पता बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं, क्योंकि मैंने पहली बार मैंने ही खुद देखा इतना बड़ा पकौड़ा, इतना स्वादिष्ट पकौड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर पे बना पाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर इधर आए तो जरूर से भाई की दुकान पे जरूर से जरूर खा के जाए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।